एक नए वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी, आपका स्वागत करता हूं मेरे भी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो 600 हॉर्स पावर की एक इंजन की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जो कि कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और अशोक लीलैंड के द्वारा जॉइंटली डेवलप की जा रही थी और 2021 से ही इसका चल रहा था। अब ये जरा पूरी तरह रेडी हो चुका है और इसको किसी भी वक्त प्रोडक्शन के लिए भेजा जा सकता है, मतलब ये प्रोडक्शन रेडी हो चुका है। इसके माध्यम से कमिंस का जो ISXE 600 डीजल इंजन, इसको रिप्लेस करना है। असल में इस इंजन का इस्तेमाल हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं, इस कमिंस वाले इंजन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं और DRDO के द्वारा डेवलप की गई व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म में भी इसी इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आगे चल के जो भारत का प्लान है वो फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, इसके अलावा और भी इस तरह के जो कॉम्बैट व्हीकल या आर्मर्ड व्हीकल भारत डेवलप करेगा उसमें इस इंजन का इस्तेमाल करने का प्रोग्राम है। इसके अलावा अमेरिकन स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल, जिसको कि भारत में बनाने का फैसला आगे लिया जा सकता है, वो भारत की नजरों में थोड़ा कमजोर इसलिए है क्योंकि उसमें 300 हॉर्स पावर का इंजन इस्तेमाल किया जाता है। और ये प्रोग्राम बनाया जा रहा है कि उस स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल में अगर यही इंजन 600 हॉर्स पावर वाला लगा दें तो भारत की जो टेरेन है उसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, हाई अल्टीट्यूड के लिए बहुत अच्छा व्हीकल हो जाएगा स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल, तो उसमें भी इस इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। बस प्रॉब्लम इसमें दो कही जा रही है, एक इसका वजन और दूसरा इसका पावर ट्रांसमिशन। इन दोनों को ही बेहतर करने के बाद इसको प्रोडक्शन रेडी माना जाएगा। मतलब कुल मिला के हम लोग कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं तो कुल मिला के उसमें वजन हमेशा एक की फैक्टर रहता है, और वो इसलिए क्योंकि मेटलर्जी हमारी उतनी अच्छी नहीं है। जैसे जैसे हमारी मेटलर्जी में सुधार होगा, हम अच्छे मटेरियल डेवलप करेंगे जो कि हल्के होंगे, तो वो आगे चल के हमारे किसी भी डिफेंस इक्विपमेंट की जो वजन है उसको कम करने के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की। आपको बताया कि मझगांव डॉक लिमिटेड को 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन या कलवरी क्लास सबमरीन का और फॉलो ऑन कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना तय हुआ है। इसमें बहुत से भारतीय इक्विपमेंट तो लगेंगे ही, साथ ही साथ AIP का इस्तेमाल भी होगा, और क्योंकि AIP इसमें इंटीग्रेट करना है इसके लिए इसका डिजाइन भी चेंज होगा। पर एक बहुत की फैक्टर या आप कह सकते हैं इस सबमरीन का जो दिल होगा वो भारत में ही बनाया जाएगा, जिसका नाम कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम है। कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम किसी सबमरीन या किसी वेसल में सारे हथियारों को मैनेज करने के लिए और पूरे वेसल को मैनेज करने के लिए काम में आता है। कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम ही इस चीज के लिए जिम्मेदार होता है कि कौन कौन से हथियार उसमें लगाए जाएंगे, क्योंकि उसका सोर्स कोड की आवश्यकता पड़ती है जब उसमें किसी हथियार को इंटीग्रेट किया जाता है। इससे पहले या अभी के जो कलवरी क्लास के सबमरीन है उसमें फ्रांस का ही कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ है, जिसके लिए अगर हमें कोई नया हथियार उसमें इंटीग्रेट करना है उसके लिए फ्रेंच इंजीनियर्स को ही बुलाना पड़ेगा और वो तब जाके उसमें इंटीग्रेट करेंगे। अब भारत में ही BEL के द्वारा कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा जो कि आने वाले कलवरी क्लास के सबमरीन में उनका ऑर्डर देने पे उसमें लगाया जाएगा। पर ये जो कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम होगा ये फ्रेंच आर्किटेक्चर पे ही डिपेंडेंट होगा, ताकि जो सबमरीन है उसके साथ इसको कम्युनिकेट करने में आसानी हो। खैर भले ही ये एक फ्रेंच आर्किटेक्चर पे डिपेंडेंट हो, पर इसकी जो भी चीजें हैं वो 100% भारतीय होंगी। BEL के द्वारा इसको बनाया जाएगा, जैसे कि आगे हमें कोई हथियार अगर टेस्ट भी करना है तो उसके लिए हम लोगों को फ्रेंच लोगों का मुंह ना ताकना पड़े कि इसको इंटीग्रेट वो करेंगे। हम फट से इसमें इंटीग्रेट करके किसी भी वेपन को ट्राई कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं लगेगा कि हम कौन सा नया वेपन ट्राई कर रहे हैं या इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिससे कि सीक्रेसी और एक सरप्राइज एलिमेंट हमेशा दुश्मन के लिए बना रहेगा। अब बात कर लेते हैं अपाचे हेलीकॉप्टर की। इंडियन आर्मी में ऑलरेडी 22 की संख्या में अपाचे हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स भी कभी कभी इस्तेमाल कर सकती है या उसके नाम से भी हैं। पर 6 और हेलीकॉप्टर जो कि प्योरली इंडियन आर्मी के लिए आने थे उनका कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया था 2020 में, और $600 मिलियन का ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट था जो 6 हेलीकॉप्टर्स आने थे। इसका जो डिलीवरी था वो ये बताया जा रहा था कि मई जून 2024 तक आ जाएगा, पर ये आज तक अब आया नहीं है। पर अभी भी ये क्लियर नहीं है कि कब तक आ पाएगा। एक और ऐसा US का बनाने वाला इक्विपमेंट जो कि भारत आने में डिले कर रहा है, भारत की जो कॉम्बैट तैयारियां हैं उसके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार के डिलेज हम लोग तेजस के इंजन में भी देख रहे हैं, जिससे कि हमारी एयरफोर्स की जो तैयारियां हैं वो बाधित हो रही हैं, साथ ही साथ तेजस का जो प्रोडक्शन है वो भी बाधित हो रहा है। ये जो डिलेज हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि US का जो सप्लाई चेन है वो गड़बड़ हो गया है। US के द्वारा बहुत से अपने हथियार या जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो यूक्रेन को हथियार देने में, यूरोप को हथियार देने में और इसराइल को हथियार देने में लगी हुई है, जिससे कि भारत जैसी कंट्री जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है
अगर डिफेंस तैयारियों को लेकर करे तो उसको डिफेंस इक्विपमेंट देने में कोताही कर रहे हैं और डिले कर रहे हैं। बात कर लेते हैं यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने के मामले में जो भारत का नाम आ रहा है। फिर से एक नई वीडियो निकल कर आई है, कुछ तस्वीरें निकल कर आई हैं जिसमें कि म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनाए गए मोर्टार को 120 mm मोर्टार शेल को देखा जा सकता है जो कि लॉन्च करने के लिए उनके सैनिकों के द्वारा तैयार किया जा रहा था। अभी तो ये क्लियर हो नहीं पाया है कि भारत डायरेक्टली यूक्रेन को तो सपोर्ट कर नहीं रहा है, पर ये हथियार कहां से आ रहे हैं। पर कुछ कयासों में ये बताया जा रहा है कि चेक रिपब्लिक के द्वारा हमसे हथियार खरीद के यूक्रेन को भेजे जा रहे हैं। इससे पहले चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये कहा गया था कि पहला बैच जो कि 180,000 शेल्स का था वो यूक्रेन पहुंच चुका है। उनका ये भी कहना है कि आगे चल के और भी 50,000 से 1,00,000 पीसेस हर महीने यूक्रेन पहुंचाए जाएंगे। इसके अलावा कई यूरोपियन देश, सऊदी अरेबिया, इन सभी में भारतीय सेल्स की डिमांड बढ़ गई है, आर्टिलरी सेल्स की डिमांड बढ़ गई है, जो कि मुख्यतः बताए जा रहे हैं कि मेन रीजन है यूक्रेन तक इन हथियारों के पहुंचने का। खैर, हथियार कहीं से भी पहुंचे, पैसा हमारे जेब में आना चाहिए। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं पाकिस्तान के F-C-31 या जिसको कि चीन फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट कहता है, जो कि भारत को मिलने वाले हैं और भारतीय पायलट वहां पर ट्रेनिंग भी ले रहे हैं इस प्लेन को उड़ाने की, उससे रिलेटेड खबर की। एयर कमोडोर जो कि रिटायर हो चुके हैं जियाउल हक शमशी, इसके द्वारा ये कहा गया है जो पाकिस्तान को फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की जो कैपेबिलिटी इससे प्राप्त होगी ये F-C-31 या J-31 से, तो पाकिस्तान को भारत से ज्यादा एज प्राप्त होगा। कुछ 12 से 14 साल तक तो एटलीस्ट प्राप्त तो होगा ही, यानी कि उनकी जो एयरफोर्स है वो भारत से बेहतर हो जाएगी। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के सभी लोगों में ये थोड़ा सा सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला प्रॉब्लम है। हम जानते हैं कि चीन के द्वारा ये एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं या इसका प्रोटोटाइप बनाया गया है, पर चीन के एयरफोर्स के द्वारा इसका इस्तेमाल अभी तक किया नहीं गया है, यानी कि चीन इसको अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट करने लायक अभी तक नहीं मानता है, पर पाकिस्तान को ये मिल रहा है। इसमें दो रीजन हो सकते हैं, या तो पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं या चीन JF-17 की तरह ही पाकिस्तान में भी अपना एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट भेजना चाहता है। खैर, जो भी हो, फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, बहुत खर्चीला है। पाकिस्तान के लिए तो पैसे ही आजकल सबसे बड़ा खुदा बने हुए हैं। अगर ये ट्रू फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है तो तब इसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। अगर ये नॉर्मली मेंटेन हो जा रहा है तो ये एक्चुअल में फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है नहीं, या तो पाकिस्तान से झूठ बोला जा रहा है या पाकिस्तान खुद झूठ बोल रहा है। खैर, जो भी हो, भारत फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट खरीदने के मूड में तो अभी तक नहीं दिख रहा है। हाँ, भले ही हम डेवलप करने के मूड में तो जरूर दिख रहे हैं, पर बाहर से खरीदने के मूड में अभी तक हम लोग दिख नहीं रहे हैं। और पाकिस्तान को देखते हुए हमें फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरफ बढ़ना भी नहीं चाहिए। हाँ, पर जो हमारे एयरक्राफ्टों की संख्या है उसको जरूर से हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में रखना चाहिए। भले ही वो तेजस हो, 500 तेजस इंडक्ट कर दो, किसी फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट की औकात नहीं है कि हमें पिछाड़ सके। तो भारत को, पाकिस्तान को तो देख के एटलीस्ट अपनी तैयारियों को अंजाम नहीं देना चाहिए। हाँ, चीन को या अन्य देशों को देखकर जरूर भारत को अपनी तैयारियां करनी चाहिए। आपको क्या कहना है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।